जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं घातांक और करणी का प्रश्न, और ये पीवाईक्यू है, मतलब आने पिछले 10 साल के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारा यूट्यूब एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको अभी तक के गणित के पूछे हुए प्रश्न सीजी व्यापम पीएससी या फिर किसी विभाग के द्वारा आयोजित एग्जाम के प्रश्नों को आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये जो टॉपिक करने वाले हैं सर्स एंड इंडेसिस, मतलब घातांक और करणी, इसके लिए आपके वर्गमूल, घनमूल है ना, स्क्वायर रूट, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब तक ये पता नहीं होगा आप इस वाले चैप्टर में आपका कमांड अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो इसको मैं फर्स्ट स्टेप मानता हूँ, सीधा मैं सेकेंड स्टेप के पास चलो। 6 का क्या लिखा है? 6 का घात लिखा है 0.25। और यहाँ आपको ये सोचना है कि ये 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 216 को मैं 6 के रूप में लिख सकता हूँ, 6 की घात 3, और बाहर घात है मेरे पास 0.25। ठीक है, नीचे क्या लिख सकता हूँ देखिए, तो 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 256 को लिख सकता हूँ 4 की घात 4, मतलब 4 चौके 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, तो मैं इसको 4 की घात लिख सकता हूँ, 4 की घात 4, और बाहर घात क्या है तो 0.10 है। ठीक है, गुना 256 को फिर से इसे हम लिख सकते हैं 4 की घात 4, और यहाँ क्या चीज़ है हमारे पास घात में 0.15। भाग के रूप में हमको क्या मिला है? भाग के रूप में मिला है अंडर रूट 2π/5। तो यदि ऊपर में यदि 2 दशमलव हटाना है तो नीचे 2 जीरो लगाना पड़ेगा, ये मैंने 2 जीरो लगा दिया। अब क्या हो सकता है देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा और लाइन जोड़ने की आवश्यकता नहीं, हम यहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि 3 को यदि मैं 25 से गुना करूं तो 25 दिया हो जाएगा 75, मतलब 0.75 इसका घात हो जाएगा। ठीक है, अभी वाला 3 हट जाएगा, मैं इस गुना करूँ ना, आपको फास्ट गुना करना है। अब यहाँ देखिए, 4 का गुना यदि हम 0.10 में करेंगे तब ये हो जाएगा 4 दहम 40, तो 0.4। 4 गुना 15 से करूँगा तो 15 चौके 60, तो 0.6, ये हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, और इस 25 और 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 225 को हम लिख सकते हैं 15, और 100 को लिख सकते हैं 10। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन आपको फास्ट तरीके से करना है और मन मन में ही करना है। ठीक है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में अपनाना है, एक्स्ट्रा और लाइन बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक लाइन हम बढ़ा लेते हैं। अब यहां लिख सकता हूं मैं 6 की घात 0.25, मतलब 2.5, गुना 6 की घात 0.75। ठीक है, नीचे आ जाएगा 4 की घात हो जाएगा आपके पास, 4 की घात क्या लिख सकता हूं मैं, 4 की घात यहां पे आ जाएगा 0.4, गुना 4 की घात 0.6। ठीक है, अब ये भाग के रूप में है, चाहे तो हम इसको गुना के रूप में लिख सकते हैं, फिलहाल भाग के रूप में लिख लीजिए 15/10। अब देखिए, जब भी अगर बेस समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, यदि बेस यदि समान है और बेस गुना के रूप में है तो घात को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 0.25 और 0.75 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 25 पैसा और 75 पैसा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो 6 की घात यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 40 पैसा और 60 पैसा मान के चलिए तो ये हो जाएगा 1, तो 4 की घात 1 यहाँ बच जाएगा। अब ये भाग का चिन्ह है, जब भी यदि हम इसको गुना में बदल लेंगे तो नीचे का जो नीचे में जो अंक है वो ऊपर चले जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10/15। ठीक है, 6/1 का मतलब होता है 6/4 गुना 10/15। हम इसको एक ही स्टेप में कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना था इसलिए मैंने एक स्टेप और बढ़ा लिया। काटेंगे तो 3 3 दूना 6 और 3 5 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर नीचे सभी कट गया, जैसे ही सभी कट जाएगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, 0 नहीं आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सब कुछ कट चुका है, मतलब 1 आया है। हाँ, प्लस माइनस के जब होता है ना, प्लस माइनस तो कटता है तब 0 आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। √5 + √3 / √5 - √3 = a - b √15, तो a प्लस बी का मान निकालिए। ठीक है, तो ये आपके परिमेयकरण वाला प्रश्न आ गया। कौन सा वाला प्रश्न आ गया? परिमेयकरण वाला। तो परिमेयकरण वाला भी बहुत आसान होता है, इसको आपको बस ध्यान से बनाने की जरूरत होती है। इसको मैं पहले स्टेप मान लेता हूँ, ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, √5 + √3। ठीक है, √5 - √3। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, जब भी परिमेयकरण करते हैं तो जो नीचे में है उसको हम क्या करते हैं, है ना, प्लस का माइनस करके और माइनस का प्लस करके। ठीक है, तो इसका जो घात, इसका जो चिन्ह है वो चिन्ह बदल के हम उसको ऊपर और नीचे गुना करेंगे, तो √5 + √3, नीचे हो जाएगा √5 - √3। ठीक है, अब इसको आपस में गुना करना है।
है, गुना करेंगे तो क्या होगा, इस पांच का गुना इस पांच से करेंगे, देखिए दोनों रूट पर, दोनों में रूट लगा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, पांच बच जाएगा, प्लस का साइन लगाइए। पांच का गुना इस तीन के साथ करेंगे तो दोनों अंडर रूट है तो अंडर रूट में आ जाएगा, पांच या पंद्रह प्लस। अब इस तीन का गुना पांच से करेंगे फिर से आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट पंद्रह आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन लगाइए। तीन का गुना तीन से करेंगे तो ये तीन आ जाएगा। अब नीचे में क्या होगा ये देखिए, नीचे में आपका किस फॉर्म में है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। जब भी a माइनस बी और a प्लस बी होता है तब क्या होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ a ए स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट फाइव को a मान लेते हैं तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लिखेंगे बी का स्क्वायर को, बी की जगह हमारे पास है अंडर रूट थ्री, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस रूट से, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम ऊपर देखेंगे, ऊपर हमारे पास होगा पाँच और तीन, तो पाँच और तीन हो जाएगा आठ, प्लस ये पंद्रह है ना दो बार प्लस में, तो इसको लिख देंगे टू अंडर रूट फिफ्टीन। नीचे क्या आ जाएगा, पाँच और तीन आ जाएगा और अंतर करेंगे तो दो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम दो को कॉमन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल कॉमन निकाल सकते हैं, दो को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बच जाएगा चार प्लस अंडर रूट फिफ्टीन, ठीक है, अपॉन टू, तो दो से ये दो कट गया, ठीक है। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्लियर हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं फोर अंडर रूट फिफ्टीन, फोर अंडर रूट फिफ्टीन, ठीक है, 15 है, 4 अंडर रूट 15 बराबर a माइनस बी अंडर रूट 15 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो यहाँ 1, देखिए यहाँ a के स्थान पर तो 4 है लेकिन इस 15 के सामने कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आप एक मान के चलिए, है ना, ये अंडर रूट 15 के सामने कुछ भी नहीं है मतलब एक मान के चलिए, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। अब हमको पूछा क्या गया है, a प्लस b करना है तो a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है माइनस 1, इस प्रकार से हो जाएगा इसका तीन आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर b। समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा या फिर वीडियो को दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 1, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 17, तब हमको एक्स अंडर रूट एक्स इंटू वाई का मान निकालना है, ठीक है, बहुत ही इजी वे से निकालेंगे। ऐसा करते हैं हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 17, क्या हो गया 17। अब क्या करते हैं हम इसको सिंपली जोड़ेंगे, अगर जोड़ते हैं तो ये नीचे जुड़ जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7 और 17 और 1 हो जाएगा 18, दो से काट दीजिए 9 बार में, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है, अंडर रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9। अब या इसी को आप माइनस करते हैं ना तो हमको वाई का वैल्यू भी मिल जाता है, ठीक है। अब एक बार इसको माइनस करेंगे तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर अंडर रूट इस एक्स का जो मान है हम किसी एक में पुट कर देते हैं, मान लेते हैं इसको मैं पहला समीकरण मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स अंडर रूट एक्स की मान पुट कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस अंडर रूट वाई बराबर 1, ठीक है। अब इसको आप पक्षांतर करके सॉल्व करोगे तो अंडर रूट वाई बराबर हो जाता है 8, ठीक है। और हमको पूछा क्या गया है, अंडर रूट एक्स वाई, इस अंडर रूट एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट y, ठीक है। तो अंडर रूट x की वैल्यू कितनी है 9 है, अंडर रूट y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये हो जाएगा 9/72, कितना हो जाएगा 9/72, आंसर नंबर आंसर नंबर डी हो जाएगा ना, याद रखिएगा सी नहीं होगा, आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी, इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, ठीक है। कभी भी गलती से अंडर रूट मत लगाइए, क्योंकि हमने अंडर रूट का मान रखा है, एक्स वाई का मान नहीं रखा है, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई का मान रखा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 की घात a बराबर 3105 है, तो 5 की घात a माइनस 3 का मान क्या हुआ। अब इस प्रश्न को आपको ऐसे सोचना है कि मैं कैसे इस 3125 को 5 की घात के रूप में लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई, है ना, 5 की घात में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा इसका ना प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3125, 5 से भाग देंगे तो कितने बार में चला जाएगा 625 बार में चला जाएगा, फिर से 5 से भाग देंगे पुनः तो ये हो जाएगा आपका 125 बार में चला जाएगा, 5 से फिर से भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब ये है कि 5 का घात 5 होगा, ठीक है। यहाँ मैं ये लिख सकता हूँ 5 a की घात
उसके बाद हो जाएगा 3135 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 5 लिख सकता हूँ। बेस समान है तो इसकी घात इक्वल हो जाती है, बेस समान है ना तो घात इक्वल हो जाएगी a बराबर 5। अब मुझे क्या इसमें पुट करना है, ठीक है पुट करना है तो क्या करूँगा, 5 है a की वैल्यू मैंने निकाला है 5 और 3 यहाँ माइनस करने के लिए कहा गया है, 5 में 3 गया 2 और 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, x इज इक्वल टू 7 + 4√3, तब अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ भी हम सबसे पहले इस x का मान निकालते हैं, क्या करेंगे इस x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने के बाद हम उसको पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे अंडर रूट एक्स का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, तो x बराबर हमको दिया गया है 7 + 4√3, ठीक है। तो इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं 4 + 3 लिख सकता हूँ, और इस 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 लिख सकता हूँ ना, 2 × 2 और √3। चलिए अब इस 4 को हम और कैसे लिख सकते हैं, हमको ऐसे सिंप्लीफाई करना है ताकि हमको x का मान निकाल सकें हम, ठीक है। तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर + 3 का लिख सकता हूँ, इसको √2 कर देता हूँ, तो ठीक है जैसे 2 से √2 है ना, ये रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ तक तो ठीक है, तो 2 × 2 × √3। अब देखिए आपके किसी कैसे दिख रहा होगा, तो ये आपको लग रहा होगा a² + b² + 2ab, अभी इस फॉर्म में आ गया, जबकि इसका ओरिजिनल मान क्या होता है, तो ओरिजिनल मान हो जाता है आपका a + b² होता है, ठीक है। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इस 2 की घात 2 + √3 की घात 2 + 2 × 2 √3 को मैं a + b के रूप में लिखूंगा, a + b के होल ट्वाइस के रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है। a की जगह मैं लूँगा 2, तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है। प्लस b का वैल्यू मैं ले लूँगा √3, तो मैंने √3 ले लिया और उसका होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई। अब इसी x की वैल्यू को मुझे पुट करना है, ठीक है। अब इसी x की वैल्यू को मुझे यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, √x है, तो √x है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + √3 का होल ट्वाइस, क्योंकि x की वैल्यू है, अब बराबर 1/, बराबर कि प्लस, प्लस का साइन है ना, चलिए इसको हम प्लस का साइन बना देते हैं, ये हो गया प्लस 1/, ठीक है। 1/ क्या हो जाएगा, √2 + √3 का होल ट्वाइस, इस 2 से ये वाला रूट कट जाएगा, इस 2 से ये वाला रूट कट जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या लिखूंगा, मैं अगला स्टेप लिखूंगा 2 + √3 + 1/2 + √3, ठीक है। अब क्या करना है, इसका परिमेयकरण करेंगे, जब तक परिमेयकरण नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर आने वाला नहीं है, और परिमेयकरण के लिए क्या करना होता है, ऊपर और नीचे, ठीक है। परिमेयकरण के लिए क्या करना रहता है, ऊपर और नीचे हम इसका साइन चेंज करके गुना कर देते हैं, साइन चेंज करके गुना कर देते हैं, तो साइन चेंज मैं इसी में लिख देता हूँ, आप ध्यान देखिएगा, साइन चेंज करके मैं गुना कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 − √3 / 2 − √3, ठीक है, 2 − √3 2 − √3। अब एक को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, यहाँ प्लस है, तो ऊपर वाला सिस्टम में क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले में आ जाएगा 2 + √3 + 2 − √3। अब नीचे में क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यदि मैं इसको ऐसे कोष्टक में रख लूँ तो कैसे दिख रहा है आपको, a + b a − b के रूप में दिख रहा है ना, a + b और a − b के रूप में लिख रहा है। अब इस a + b और a − b को मैं क्या लिख सकता हूँ, a² − b² लिख सकता हूँ, a² − b² लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ 3 बच जाएगा। अब इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस ए प्लस में और ये माइनस में ये कट गया, ठीक है, प्लस माइनस कट गया, ऊपर बचता है मेरे पास 4 और नीचे 4 में 3 गया, बचा 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरा उत्तर हो जाएगा 4, है ना, 4/1 का मतलब 4 ही होता है, तो आंसर नंबर डी। यदि a = 1.9 तथा b = 2.1 हो तो a² + 2ab + b² का मान निकालना है, ठीक है, तब इसका b² का मान निकालना है। जब भी आप ऐसा सॉल्व करोगे ना, तब हमारा आंसर क्या आएगा, इसको देखिएगा, ठीक है। जब भी हम ऐसा सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका a + b²
ठीक है, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और होल ट्वाइस का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, इसका मतलब हमको केवल ए प्लस बी का होल ट्वाइस निकालना है। ए की वैल्यू क्या है, मतलब दोनों को जोड़ना है और उसका स्क्वायर करना है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1.9, बी की वैल्यू है 2.1, इसको जोड़ देते हैं तो 9 एक हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ पे हाथ लगा देंगे क्या आ जाएगी, हाशिर आ जाएगा, तो 2 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4। अब इस 4 का हमको ट्वाइस करना है, 4 का ट्वाइस करेंगे तो 4 चौके 16 मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 हो तो फलन 8x, 8xy कॉम उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको मान निकालना है ना। तो हमको ये सोचना है कि 8xy का मान क्या हो सकता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या हो सकता है, ये दो हमको दो प्रकार से सोचना है। तो हम सोचते हैं, चलिए दो प्रकार से, ठीक है, दोनों फलन को मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, उसके बाद है एक्स माइनस वाई बराबर अंडर रूट 2 हो गया। चलिए अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसको हम एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। यदि हम एक बार इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये y वाला पूरा कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x है ना, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा क्या, ठीक है, लेकिन यहाँ से सीधा जोड़ेंगे तो ये रूट वाला नहीं जुड़ पाएगा, तो थोड़ा दूसरा दिमाग लगाते हैं, है ना। हो सकता है एग्जाम में हमने ऐसा सोचा कि बन जाएगा क्या, लेकिन ऐसा तो बनेगा नहीं, ठीक है, नहीं बनेगा तब क्या करेंगे, देखिए हमने बना के देखा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेगा तब क्या करना है, इसके लिए भी एक उपाय है, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बोथ साइड स्क्वायर करना है ना, बोथ साइड स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। यहाँ पे x प्लस वाई का होल ट्वाइस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा, है ना, तो a की जगह यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, यही होगा, ठीक है। अब इस अंडर रूट 3 वाले में स्क्वायर लगाएंगे, है ना, तो ये रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 3। सेम फार्मूला हमको यहाँ पे लगाना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम माइनस है इसलिए ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई, और यहाँ भी ये रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा। अब इसको हम एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस करेंगे तो 2xy और 2xy माइनस प्लस में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इस साइड क्या बच जाएगा, ठीक है, इस साइड हम क्या बचा सकते हैं, ठीक है, अभी हम फिर प्लस किए थे ना, प्लस किए तो इस साइड क्या बचा सकते हैं हम, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 5, 3 2 5, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 5 हो जाएगा। अब हमें 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइन प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, और इस 2 को पक्षांतर करके 2 को काट देते हैं और 2 को नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया, हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया, ये एक मान हमारे पास आ गया है। अब इसी फलन को यदि हम माइनस करें तो, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ ना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आपको सोचना है। यदि मैं इसको एक बार तो हमने प्लस किया था, एक बार प्लस किया तो ये आंसर आ गया। अब अगली बार यदि मैं माइनस कर दूँ, क्या करूँ, माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 मिनट के लिए जो मैं क्रॉस लगाया था उसको हटा रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब क्या करना है, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, आप एग्जाम ऐसे बनाइएगा, दोबारा की जरूरत नहीं पड़ेगा, माइनस करेंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 4xy बराबर, माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 3 में 2 गया क्या आ जाएगा, 1 आएगा क्या, तो 3 में 2 गया, ये आपका 1 आ गया। हमको तो इस फॉर्म में आना चाहिए, 8xy चाहिए, यहाँ तो 4xy है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पक्ष को 2 से गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8xy इज इक्वल टू 2, ठीक है, दोनों साइड गुणा किए हैं तो 4 2 8xy, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 1 2। अब हमारे पास दोनों फलन मिल गए, ठीक है, इसको आप 2 नंबर दे दीजिए। अब हम सीधे इसमें पुट कर देते हैं, इस वाले में पुट करेंगे, एट एक्स वाई का मान क्या है, तो एट एक्स वाई का मान हो जाएगा हमारे पास 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा,
उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास, गुना में रहेगा ना, 5/2 है, 5/2, 5/2 है तो 2 से 2 घटा, बचा हमारे पास 5। ऑप्शन में 5 आंसर है कहीं पे, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी पे। कैसे हुआ एक बार आप वीडियो को पूरा रिपीट देख लीजिएगा, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो भी आपको मैथ्स बन जाएगा। निम्नलिखित का मान क्या होगा, ठीक है, 1,39,876 की पावर 1/2, 6,859 की पावर 1/3 और गुना में है 0.001 की पावर 2, तब इसका पूरा आपको गुणनफल याद करना है। ठीक है, जब भी ऐसा बड़ा प्रश्न हो तो आपको ऐसे याद रखना है कि कहीं ना कहीं इसका जो स्क्वायर है वो कटने के लिए होगा, तो ये किसका स्क्वायर है बस ये आपको निकालना है, है ना। अब इसके लिए आपको इसका रूट निकालना है कि आप, है ना, रूट बोलता हूँ, हाँ इसका रूट निकालना है कि ये किसका रूट है, ठीक है, या है ना, ये किसका रूट हो सकता, मतलब इसका रूट क्या होगा, 1,39,876 का रूट क्या होगा ये आपको निकालना है। रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, रूट निकालेंगे तो इसका रूट क्या होगा, देखिएगा इसका रूट हो जाता है 374 है, ठीक है, 374 को यदि हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,39,000, और ऊपर भी एक रूट है हमारे पास, ठीक है। 6,859 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 19³ लिख सकते हैं, तो 1/3 बाहर भी है, ठीक है, गुणा के रूप में, और क्या है 0.001 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कटा, इस 3 से ये 3 कटा, बचा हमारे पास क्या, 374 गुना 19 गुना, यहाँ पे स्क्वायर तो दो बार गुना होगा, 0.001 गुना 0.001, ठीक है। अब देखिए जब भी आप इसको गुना करोगे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट में कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वैसा हमारा ऑप्शन सही होगा जिसके दशमलव के बाद 6 अंक होगा, दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये नहीं हो सकता, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी नहीं हो सकता। आगे गिनते देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब ये दोनों हो सकते हैं। अब हमको गुना करके देखना पड़ेगा, गुना किसका करेंगे, 374 और 19 से गुना कीजिए, ठीक है, 374 और 19 का गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 7106, ठीक है। और कितने संख्या के बाद 0 लगाना है, 6 संख्या, तो 4 संख्या तो हमारे पास आ गया है, 2 संख्या और जोड़ देते हैं, ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 1/4 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या है, 1/4 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या है, जब भी ऐसा होगा तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है, जब भी दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालना होगा तो दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 + 1/4 और 1/2 का 2/2, बस ऐसे इतना ही तो करना है। अब इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो नीचे हमको क्या लेना पड़ेगा, एक एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो ये 4 होगा, ठीक है, तो 4 होगा तो ये हो जाएगा आपका 4 × 4 और +2, और नीचे का 2 तो है ही, ठीक है। अब ये 2 क्या होगा, गुना होकर ऊपर चला जाएगा, इसका गुना के रूप में चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 8, 3/8, ठीक है, कहीं पे ऑप्शन में है क्या 3/8, ऑप्शन नंबर सी। तो 1/4 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या क्या है, 3/8 है, क्या है, 3/8 है। अगला प्रश्न, 0.96³ - 0.1³ 0.96² + 0.01² ठीक है, इसका आपको मान निकालना है। तो इसको आपको मान निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्यों, यदि आपको कुछ फलन याद है, फलन क्या होना चाहिए ये देखिए, एक फलन होता है, फलन क्या चीज़ है, a³ - b³ इसके बराबर होता है, तो a³ - b³ किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका a² + ab + b², ये इसके बराबर होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है। और यहाँ पे आपको लिखना है a - b, ठीक है, a - b। अब देखिए यदि हम इसको कंपेयर करें, यदि मैं इसको a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो नीचे मैं कंपेयर करता हूँ, कंपेयर क्या करूँगा, ये देखिए ये मेरा a² हो गया, ठीक है, ये b² हो गया, और ये हो जाएगा आपका ab का गुना, ठीक है, ab का गुना हो गया, बस इतने में आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाता है।
इतने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा देखिए, यदि ऊपर का वैल्यू यदि मैं ए क्यूब मान लूँ बी क्यूब मान लूँ तब ऊपर क्या बचेगा, ठीक है, ऊपर मेरा बच जाएगा ए क्यूब बी क्यूब मान से लूँ, ठीक है, तो ए क्यूब बी क्यूब है तो ऊपर आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा a माइनस बी, और नीचे क्या है मेरे पास, नीचे इसको मैंने a माना है तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी, तो नीचे इसको भी लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या जो भी लिखो लाइन से लिखो या फिर आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, या फिर ए बी टू भी नहीं होगा बस ए बी होगा, तो ये आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या केवल ए और बी बचेगा ए माइनस बी। तो ए मैंने क्या माना था, ए मैंने माना था 0.96 को, और बी क्या माना था तो 0.1 को माना था बी। अब इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.85 होना चाहिए क्या, 86, ठीक है, 86 कैसे होगा, मैंने थोड़ा से लिखने में उल्टा प्रयोग किया है, ये आपका इस प्रकार से आप लिख सकते हो 0.96 और 0.1, ये हो जाएगा आपका 0.86। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, 0.86 इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि 2994 भागित 14.5 बराबर 172 है तो 29.94 भागित 1.45 का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको ना मैं सिंपल वे में बता देता हूँ, देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है, ये मैंने लिखा है 29.94/1.45, इतना हमको दिया गया है। अब ऊपर से क्या करना है, ऊपर से दशमलव हटाना है तो नीचे जीरो लिखना है, और नीचे से दशमलव हटाना है तो मुझे ऊपर जीरो लिखना होगा, ठीक है, ऊपर जीरो लिखना होगा। अब मैं इसको सिंपली लिखते जाता हूँ, ठीक है, अब इसको मैं लिखते जाता हूँ, मुझे पूछा गया है कि 1.5 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूँगा तो ऊपर तो पूरा ही पूरा डॉट हट जा रहा है, ठीक है, और नीचे में क्या लिखना है मुझे 14.5 लिखना है। अब देखिए ऊपर यहाँ पे 29.94 को 2994 लिखने के लिए कितना जीरो मुझे नीचे लगाना होगा, तो दो जीरो नीचे लगाना होगा, ठीक है, मैंने लगा दिया। अब 1.45 को 14.5 लिखने के लिए एक जीरो मुझे ऊपर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक अंक खिसकाया है, जबकि 29.94 में दो अंक खिसकाया था इसलिए दो जीरो नीचे लगा, नीचे वाले में एक अंक मैंने डॉट को खिसकाया इसलिए मुझे एक जीरो लिखना पड़ा, ठीक है। अब देखिए अब क्या देखना है, ये देखिए हमारे पास मान आ गया है कि 2994 भागी 14.5 की वैल्यू 72 है, सेम है क्या यहाँ पे, देखिए तो मैं इसके जगह लिख सकता हूँ 172 गुना 10/100, जीरो से एक जीरो काटूंगा और उसके बाद नीचे जीरो है, ऊपर यदि मुझे जीरो हटाए तो ऊपर डॉट लगाना पड़ेगा, कितना जीरो है एक जीरो है तो ऊपर में 1.1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 17.2 इसका आंसर होगा, 17.2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी पे है। अगला प्रश्न, ये आज का लास्ट प्रश्न है ना, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है ए बराबर 0.002, बी बराबर 0.003, तब मान ज्ञात करना है आपका ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर का मान, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए ना आप बहुत सारे जो व्यंजक हैं इस प्रकार के ए प्लस बी ए माइनस बी ए क्यूब वाला, ये जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप इसको आगे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है, तोड़ेंगे तो क्या होगा, वैसे आपको इसका एक लाइन में याद होना चाहिए, इसका आंसर होता है 4ab इसका आंसर होता है, लेकिन इसको मैं आपको बना के बताता हूँ, बना के बता देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बना के बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब माइनस करना है ना, माइनस का साइन लगा दीजिए इस प्रकार से, माइनस का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका वैल्यू होता है।
अब यहाँ पे माइनस है तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए बी हो गया। माइनस तो सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा, अब ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस टू ए बी हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर माइनस में, बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में, टू ए बी प्लस में, टू ए बी प्लस में, तो हमारे पास क्या बचा, फोर ए बी, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया था। ठीक है, फोर ए बी हो गया। अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अब सिंपली आपको चार गुना ए की वैल्यू मैंने क्या माना है, ए की वैल्यू दिया गया है 0.002 गुना 0.003। अब इसको पूरा गुना कर देंगे, तीन दुना छः, छः छः चौके 24, तो 24 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24, लेकिन कितने अंक के बाद, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो 6 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक हमारे पास पहले से है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, कितना जीरो होना चाहिए, 4 जीरो, 24 के पहले 4 जीरो टोटल, या फिर 6 जीरो मान लीजिए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।